करा, सबस्क्राइब करा, आणि त्याचं तोंड बघून घ्या, कारण बाईंचं पाठ पाहिजे त्याला पाहिजे असं कधी गाडी गाडी होतो. हाँ बस उसके नीचे लगा दे भाई, एक नंबर. चल 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 राहुल भाई, एक ही बार में फूटना चाहिए. वेलकम टू चैनल D17 ब्लॉग. तो गाइस आज हम निकले हैं थोड़ा फोटो ब्लॉगिंग करने के लिए. आज हम निकले हैं हमारी एक्टिवा को लेके. 220 मील है बिकॉज उसकी सर्विसिंग की टाइम हो चुकी है, तो उसको आज सर्विस में डालना था, इसलिए आज उसको नहीं लेके गए हम. आज हम एक्टिवा लेके जा रहे हैं. अब इसी क्या जाने वाले हैं, मेरा एक फ्रेंड रहता है जीवा में, वो आज एक स्कूटी खरीद रहा है, टीवीएस एंटॉक और एडिशन आई थिंक. सो उसने मुझे जैसे कि बताया था, तो आज जा रहे हैं उसकी डिलीवरी लेने के लिए. तो आज मेरे साथ शूटिंग भाई नहीं है, मतलब आज वो गया है, थाने गया हुआ है. उसमें 220 में उसको भी 220 में टैंक का वर्क करवाना था, मतलब उसका 220 का टैंक थोड़ा डेंट आ गया था और उसकी पेंट भी थोड़ी बहुत डल हो चुकी थी. तो आज इसके लिए वो भी थाने गया हुआ है. तो आज श्रुतिक भाई हमारे साथ नहीं है, आज मैं अकेला हूँ. कोई नहीं भाई, वीडियो तो बनाना है और बहुत जल्द आई थिंक तो आपको वो टैंक वाली वीडियो भी देखने मिल जाएगी. अगर उसको पॉसिबल होगा तो वो वाली वीडियो भी बना लेगा. तो फिलहाल के बज रहे हैं, कितना बज रहा है फिलहाल के बज रहे हैं 5 और उन लोग ने मुझे टाइमिंग दिया 6 बजे का. तो मुझे जाना है अपने कॉलेज के यहीं पे जाना है, मतलब मेरे कॉलेज में जो कि मेरा कॉलेज डोंबिवली में है उसके आसपास में शोरूम है. तो उन्होंने वहीं पर गाड़ी बुक की है और 6 बजे तक पहुँचना है मेरे को. मैं एकदम आराम से जा रहा हूँ, 30-40 की स्पीड में जा रहा हूँ. जाएंगे पहले मिलेंगे एक दोस्त को, मेरे को पहले डोंबिवली से पिक करना है, उसको पिक करना है, फिर उसके बाद 6 बजे मुझे स्पॉट में मिलना है. मुझे भी एक्चुअली पता नहीं शोरूम कहाँ पर है, बट जाएंगे बाद में. अगर मैं पहले अपने कॉलेज के पहुँच जाता हूँ फिर उनको फ़ोन करूँगा और देखते कौन कौन लोग आता है, कोई कोई नहीं आता है. और सीधा हम लोग मिलेंगे अभी आपको डोंबिवली में, क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी निकलूँगा. तो बरोबर एक अप्रॉक्स में यहाँ पे 6:30-6 तक तो सॉरी 6:30-5 तक पहुँच जाऊँगा. तो गाइस आप भी वीडियो में बने रहे और मज़ा लीजिए आज की वीडियो का. आज शूटिंग नहीं है पर मैं भी काफ़ी इंटरटेन करूँगा आपको. तो गाइस आपको मिलते हैं सीधा डोंबिवली में. ऑल राइट गाइस, सो गाइस अभी कुछ बज चुके हैं, अभी कुछ 7 बज गए. मैं 5 बजे निकला था, आते आते टाइम हो गया मेरे को क्योंकि मैं वेट कर रहा था राहुल भाई इन लोग का. तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच गए किरण मोटर्स पहुँच गए. अभी राहुल भाई इन लोग पेपर वर्क कर रहे हैं और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ. थोड़े टाइम में हमको डिलीवरी मिल जाएगी गाड़ी की. और जैसे देख सकते हो वहाँ पर राम भाई और रश्मि दीदी भी बैठी हुई है. तो एक 10-20 मिनट्स का पेपर वर्क है, उसके बाद हमको हमारी गाड़ी मिल जाएगी. और भाई ने कौन सा एडिशन लिया है, कौन सा ये लिया, हम आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा. तो गाइस वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को देखो और काफ़ी मज़ा आने वाला है. तो गाइस वेलकम बैक. और जैसे कि हमें थोड़ा बहुत रुकना पड़ रहा है बिकॉज जो राहुल भाई का सिग्नेचर है वो सिग्नेचर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा है हमको. गाड़ी रेडी होके खड़ी है, गाड़ी में स्टील गार्ड के जो गार्ड्स रहते हैं गार्ड्स वार्ड लग गए, पेपर ही पूरा हो चुका है, बस थोड़ा सिग्नेचर का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ रहा है. बिकॉज हमें यहाँ पर आके कुछ आधे घंटे से ज़्यादा होगा, पेपर वर्क उतना होता नहीं है. तो थोड़ा वेट कर, वही मैं भी सोच रहा हूँ कि कब फटाफट डिलीवरी ले और फटाफट घर पे जाए, क्योंकि मैं 5 बजे निकला था और अभी कुछ 8 बजने आ गए, 7:45 बज गए. तो मैं भी फटाफट यही वेट कर रहा हूँ. सब लोग भूखे भी है, बहुत भूख भी लगा है. तो भाई जैसे ही डिलीवरी लेंगे वैसे जाएंगे, कुछ खाएंगे, मज़ा करेंगे और फिर देखते. पहले डिलीवरी ले लेते हैं, बाकी सब काम बाद में करेंगे, पहले डिलीवरी ले लेते हैं. तो गाइस बने रहे वीडियो में. ऑल राइट गाइस, तो पेपर वर्क कम्प्लीट हो गया, कैश भी दे दिया हमारे राम भाई राहुल भाई और 2-3 लोग गए खाना वीना खाने के लिए, नाश्ता वैसा करने के लिए. तो पेपर वर्क कम्प्लीट हो गया, कैश भी दे दिया. और ये रही हमारी एंटॉक 4 एडिशन, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है मार्वल्स का. देख सकते हैं आपने स्पाइडरमैन देखा, आयरन मैन देखा, ब्लैक पैंथर देखा, बट ये है 4 एडिशन. काफ़ी ओपी लग रहा है, देख सकते ये बॉय, ये देखो. काफ़ी वेट करना पड़ा इसके लिए पर भाई एट लास्ट देख रहे हो सुपर स्क्वाड एडिशन, क्या लिखा है सुपर स्क्वाड एडिशन. तो गाड़ी काफ़ी ओपी दिख रही है, काफ़ी शाइन होके आ रही है. तो अभी उन लोग भी चले गए मेरे को अकेला छोड़ के, सब लोग खाने जाएगा, बस मैं ही एक भूखा पड़ा हूँ यहाँ पे. तो कोई नहीं, बस जो वेट था
जो इतने टाइम से वेट कर रहे थे फाइनली ओवर। राहुल भाई ने भी बताया नहीं था मुझे कि मैं थॉर एडिशन ले रहा हूँ, बस इतना बताया था कि मैं एनटॉक का कोई सुपर स्क्वाड एडिशन ले रहा हूँ। तो ये रही हमारी थॉर एडिशन और अभी थोड़े टाइम में लेके जाएंगे, देख सकते हो। ये भाई भाई क्या ही सेक्सा लग रहा है, देख रहे हो इसकी जो ये एलईडी लैंप्स, ये तो काफ़ी सेक्सा लगता है मेरे को। एनटॉक में ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वेट इतने टाइम से वेट कर रहा था और ये रही हमारे सामने एनटॉक ब्रांड न्यू। भाई नई गाड़ी की कुछ बात ही अलग रहती है गाइस, देख रहे हो ये इसकी चाबी, किरण मोटर्स एनटॉक टीवीएस, सही है, काफ़ी सही है यार। भाई का कब से प्लान था एनटॉक लेने का, बट फाइनली भाई ने एनटॉक ले लिया और कुछ दिन बाद, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत बहुत जल्द इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे। माइलेज टेस्ट हो गया, सर्विसिंग हो गया, कुछ दिन प्लानिंग चल रहा है कि कुछ टाइम बाद इसका लैमिनेशन भी करवाएंगे। हम लोग को ये स्टील गार्ड्स नहीं चाहिए था, ये जो गार्ड्स लगाए वहाँ पे ये हमको नहीं चाहिए था, बट शोरूम्स वाले इन लोग पहले से असेंबल करके देते, तो सबसे पहले घर पर जाने के बाद ये गार्ड्स निकालेंगे हम लोग। गार्ड्स निकालने के बाद थोड़े दिन चलाएंगे, इसके नंबर्स, इसके जो पेपर्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद इसका लैमिनेशन वाला वर्क भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत इन्जॉय करते हैं, वीडियो ख़त्म नहीं करेंगे, वीडियो इतना जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे हम लोग, बट थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, उन लोग आएंगे, थोड़ा फोटोज़ वीटोज़ निकालेंगे, थोड़ा टाइम में सेलिब्रेशन करेंगे। टाइम स्लिप हो रहा है, एक्साइटमेंट, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई। मतलब वैसे तो मैंने बस अपनी एक ही एक्टिवा की डिलीवरी ली है, उसके बाद मैंने कभी इसी कुछ डिलीवरी वगैरह ली नहीं है। तो थोड़ा वेट करते हैं, इन लोग आएंगे, थोड़ा मजा मस्ती करेंगे, फिर बाद में वीडियो को एंड करेंगे। तब तक आप भी वीडियो में बने रहे। ये देखो, ये मेरे दोस्त लोग हैं, ये मेरी दीदी, राम भाई आपको तो मिलाया ही, विनायक भाई, विनायक भाई हाय तो बोलो, आइए। हाँ आप कुछ बोलना चाहोगे राम भाई? काफ़ी फनी है राम भाई, दीदी भी, ये देखो काफ़ी मस्ती के मूड में राम भाई आज, बहुत दिनों बाद मिले आज। ये देखो अंदर इसका बूट स्पेस, सही है, लाइट लाइट भी है राम भाई इसके अंदर। ओ राम भाई राम भाई उसके अंदर लाइट है अभी तो नया नया लिया यार। हाँ राहुल भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं भाई, यस बस लाइक करा, सब्सक्राइब करा। हाँ चलो तो बोलूँगा, हाँ 5 से 5 बजे तक 10,000 रुपए पाटवा, 10,000 रुपए सब लोग स्पॉन्सर करो तो गाड़ी का ईएमआई जल्दी क्लियर हो जाएगा, है ना? पोल्यूशन नहीं काट रहा हूँ, यानी कि आज घटने नहीं, यानी कि एंट्रो के, हाँ उसने एक्सपी एडिशन ले वहाँ पे खड़ा है। राम भाई और कुछ है? बंद करूँ कैमरा? और कुछ है? अरे तो लास्ट वाला तू ही बोल देना राम भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सो फनी गाइस, तो गाड़ी का डिलीवरी भी हो गया, गाड़ी ले लिया, पेपर्स वर्क हो गया, सब कुछ हो गया, एंजॉयमेंट भी हो गया, फ्रेंड्स लोग से भी मिल लिए। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मुझे भी घर पे जाना है, काफ़ी लेट हो चुका है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आज का व्लॉग पसंद है, श्रुतिक भाई तो था नहीं, मुझे भी थोड़ा थोड़ा नहीं जाना था व्लॉग बनाने के लिए, बट अगर आपकी ये व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब टू चैनल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।